राजस्थान के भिवाड़ी में बदमाशों का तांडव, बंदूक के दम पर ज्वेलरी शॉप को लूटा, मालिक की गोली मारकर हत्या। राजस्थान के खैरतल तेजारा जिले में बदमाशों का खौफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। राजस्थान के खैरथल तेजारा जिले के भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट स्थित कमलेश ज्वेलर्स के दुकान पर गाड़ी में सवार होकर 5 बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग के बाद बदमाश दुकान के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर मौजूद कर्मचारियों और मालिकों से जमकर मारपीट करते हैं। इस दौरान बदमाशों ने बंदूक की बट से हमला कर दुकान के अंदर कर्मचारियों को घायल कर दिया, साथ ही दुकान में रखे ज्वेलरी को बैग में भरकर फरार हो गए। वहीं बाहर भागते समय बदमाशों ने फायरिंग की, जिससे गार्ड और ज्वेलर्स के मालिक कमलेश सोनी समेत एक अन्य को गोली लग गई। घायलों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान ज्वेलर्स के मालिक कमलेश सोनी की मौत हो गई। दुकान में लूट की इस घटना का बाहर खड़े लोगों ने वीडियो बना लिया, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि शोरूम के अंदर 5 बदमाश लूटपाट कर रहे हैं। वहीं भागते वक्त बदमाश फायरिंग करते भी देखे जा सकते हैं। दुकान में चोरी करते वक्त बदमाशों को कुछ ही मिनट का वक्त लगा। घटना शुक्रवार देर शाम 7:30 बजे के आसपास की बताई गई। लूटपाट को अंजाम देने बदमाश एक मारुति स्विफ्ट कार में सवार होकर आए थे। दुकान के पास पहुंचते ही बदमाशों ने बाहर 3 राउंड फायर किए। इसके बाद दुकानदार को पिस्तौल दिखाई और दुकान में रखे गहने लूटने लगे। वहीं दुकानदार ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और इसके बाद वो फायरिंग करते हुए कार में सवार होकर फरार हो गए। घटना के बाद एसपी भिवाड़ी चेष्टा मैत्री खुद मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बदमाशों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमों का गठन कर दिया गया है और बहुत जल्दी ही बदमाश पकड़े जाएंगे। घायल कर्मचारी ब्रजमोहन ने बताया है कि 7:30 बजे के आसपास दुकान में 4 लोग अंदर आते हैं और लूट की घटना को अंजाम देते हैं। लूट के बाद भागते वक्त बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग किया, जिसमें 3 को गोली लगी है। फिलहाल इस पूरे मामले में और भी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जो हम आपको आगे बताएंगे।